if you've understood the concept well. Here's one mole of this pure gold. How many atoms does it have? Yes, as it's one mole, it will have 6.02 times 10 raised to 23 atoms in it. Similarly, one mole of pure water will have 6.022 times 10 raised to 23 water molecules inside it. So is this how we define one mole? 6.022 times 10 raised to 23 atoms or molecules or particles? Well, that's the simplest way to understand it. That means if we take, for example, a bag containing 6.022 times 10 raised to 23 hydrogen atoms, then can we say it's one mole of hydrogen? Yes, that's right. Similarly, 6.022 times 10 raised to 23 molecules of any compound like copper sulfate is one mole of copper sulfate. Simple, isn't it? Wait, we have just understood the concept of mole in simple words, but we are yet to take a look at the scientific definition of one mole. And what's this number we referred to? Does it have a special name? Watch our next video to know more. Okay, so you have seen that के वीडियो में आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था. देन अब हम मोल कॉन्सेप्ट पे थोड़े से इक्वेशन कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि जब हम इन्हें अप्लाई करेंगे, कोई अगर हमारा न्यूमेरिकल एमसीक्यू आ गया हमें कैसे करना है. हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट्स के बारे में. इस ट्यूटोरियल में हमारा फोकस होगा टू लर्न ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले, टिप्स एंड ट्रिक्स दैट विल हेल्प अस इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल. आपने देखा होगा कि हम नाइट्रोजन के मास को कभी एबल टू सी दिस वीडियो और कभी कभी 14 ग्राम. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सो व्हेन वी आर राइटिंग 14 U, इन दैट केस वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम. एंड When we write 14 gram, then we are talking about gram atomic mass, one mole atoms ka mass. So it is necessary to make distinction between these two. Till now. तो जब भी ग्राम में लिखा जाएगा, यानी कि वो one mole atoms का मास दिया है, जिसे बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, वो ग्राम में दिया जाएगा. और जब U में दिया गया है, that means कि यूनिट U में दी हुई है, यानी कि एटॉमिक मास, AMU, एटॉमिक मास यूनिट. ये डिफरेंस है यू वाली यूनिट और ग्राम वाली यूनिट का. यू माइट बी अवेयर ऑफ सम बेसिक एटॉमिक मासेस, लाइक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12U, नाइट्रोजन का 14U, ऑक्सीजन का 16U. बट यू माइट बी वंडरिंग, डू वी नीड टू लर्न ऑल 118 एलिमेंट्स एटॉमिक मासेस? एंड द आंसर इज नो, यू डोंट नीड टू. 118 एलिमेंट्स में से कुछ 28-30 एलिमेंट है जिनके एटॉमिक मास याद होने चाहिए. सो आई एम एडिंग दोस एटॉमिक मासेस हियर. यू कैन क्लिक अ इमेज ऑफ दिस, यू कैन क्लिक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, बिकॉज़ आपके जो कैलकुलेशन होती हैं उनमें फर्स्ट 28 एलिमेंट्स तक का ही, या 30 मैक्सिमम 30 उन तक की ही कैलकुलेशन आती है. 12th तक लेवल तक भी यहीं तक आती है, उससे ज्यादा नहीं आती. तो यू कैन डू द कैलकुलेशन, यू कैन गेट द क्वेश्चन फ्रॉम दीज ओनली, कैन मेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. हाइड्रोजन एज एटॉमिक मास 1 हीलियम, 4 लिथियम, 7 बेरिलियम, 9 बोरोन, 10 कार्बन, 12 नाइट्रोजन, 14 ऑक्सीजन, 16 फ्लोरीन, 19 एंड सो ऑन. ठीक है, आई विल सजेस्ट यू टू पॉज एंड राइट इट डाउन. सो डू यू नीड टू क्रैम दिस लिस्ट? नो, नॉट एट ऑल. जैसे जैसे आप मोल कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते जाएंगे, यू विल ग्रेजुअली लर्न ऑल दीज एटॉमिक मासेस. तो प्रैक्टिस करने से ही आपको याद रहने लगेगा, दिमाग में आने लगेगा. एलिमेंट्स जो इस लिस्ट में नहीं है, लाइक थोरियम, जाइक्रोनियम, टंगस्टन, यू विल बी गिवन देयर एटॉमिक मासेस इफ दे कम. अगर इससे ज्यादा बड़े एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर्स के एलिमेंट्स आएंगे, यानी 30 से ज्यादा बड़े वाले एलिमेंट्स का अगर मास या मोल कैलकुलेशन दी जाएंगी, तो उनके एटॉमिक मास गिवन होंगे क्वेश्चन में. Now, see what are the formulas. Sulfur, 4 oxygen और 10 water molecule. सबसे पहले molecular mass निकालना बता रहा है, जो हम भी discuss कर चुके हैं कि atoms के particular masses को उनके कितने atoms हैं उनसे multiply भी किया जाता है,
एंड देन एड करके टोटल मोलिकुलर मास निकाला जाता है. क्लियर? तो सोडियम का एटॉमिक मास. स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत तब होती है जब हम नेचर से कनेक्टेड रहते हैं, फिर चाहे वो मॉर्निंग योगा हो या फिर हेल्थ. मास होता है 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 और वाटर का 18. सो इट्स मॉलिक्यूलर मास विल बी 2 × 23 + 32 + 4 × 16 + 10 × 18. सो यू कैन कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ. व्हाट इज द रिजल्ट? पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. सो बेसिकली आपको मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की समझ होनी चाहिए. इफ यू आर सीइंग Na2SO4 10H2O, इट मींस वी हैव 10H2O मॉलिक्यूल एंड नॉट 10H2 एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. वाटर के केस में मास कैन बी रिटन एज 18U और 8. टेम्परेचर कंडीशन, STP कंडीशन. एंड STP कंडीशन मींस प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर शुड बी 273 केल्विन. No matter which gas we are talking about, carbon dioxide. ठीक है, तो गैसेस का जब भी वन मोल या मोल कैलकुलेशन होंगी तो आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 273 केल्विन पर कैलकुलेट करना होता है. वन मोल इज ऑलवेज 22.4 लीटर एट STP कंडीशन. गैसेस में वन मोल की वैल्यू होती है 22.4 लीटर्स. वन मोल गैस, चाहे वो किसी भी कोई भी गैस हो. 5 ग्राम एटॉमिक मास. शॉर्ट फॉर्म में वी कैन राइट इट एज N = m/gm. नेक्स्ट वन इज फॉर मॉलिक्यूल. इट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड इन शॉर्ट फॉर्म इट इज रिटन एज N = m/gm. और अगर गैसेस क्लियर हो गया सॉलिड सब्सटेंसेस के हों तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ग्राम गिवन मास. कितने वजन के सब्सटेंस में आपको नंबर ऑफ मोल्स बता करने हैं, कितना आपका गिवन वेट है, अपॉन ग्राम उसी एलिमेंट का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट. ट्रांस की बात करें देन इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP कंडीशंस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर एंड इन शॉर्ट फॉर्म इट इज रिटन एज N = V/22.4. सो अगर नंबर ऑफ मोल्स गैस में निकालने होते हैं तो फॉर्मूला होता है V/22.4 लीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP. सो वी विल यूज N = V/STP/22.4. नाउ वॉल्यूम एट STP कंडीशन इन दिस क्वेश्चन इज 44.8 लीटर. सो जस्ट पुट इट हियर एंड कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. क्या आ जाएगा? So that's how we convert grams to moles or liters to moles. In some question, we need for dealing with molecular substance. So we will use N = m. See carefully. 392 grams of H2SO4 में ना कितने moles होंगे? ये question है. Calculate the number of moles in 392 gram of H2SO4. Are you able to understand it? Are you able to understand? Yes, okay. So N is equal to given weight, यानी 392 ऊपर आएगा and gram atomic weight नीचे आएगा. Upon gm. यहाँ पे given mass है 392 gram और gram molecular mass calculate करना होगा. So gram molecular mass of H2SO4 will be 2 × 1 + 32 + 4 × 16 and on calculating it we will get 98 gram. So we know m and gm, we will put it here and calculate number of moles. Next question, calculate number of moles in 44.8 liter of carbon dioxide at STP. So we will use N = V/STP/22.4. Now, volume at STP condition in this question is 44.8 liter. So just put it here and calculate number of moles. तो हमने कर ही लिया. Moles निकालेंगे. Number of moles से number of Na2CO3 molecule निकालेंगे. और नंबर ऑफ Na2CO3 मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम्स. अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें तीन चीजें हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3. ठीक है,
कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट मतलब Na2CO3 में कौन कौन से एलिमेंट हैं? एक सोडियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो इनके एटम्स बताने हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम्स निकालो। अब देखना है इसे ध्यान से कि कैसे निकाल रहा है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास इज 53 ग्राम। ऑन कैलकुलेशन यू विल गेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 106 ग्राम। सो n इज इक्वल टू, तो जब आप Na2CO3 के सारे वेट्स प्लस करोगे और फिर निकालोगे तो आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास Na2CO3 फॉर्मूले का आएगा 106। अब आप n निकालोगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स तो उन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। m is 53 and gmm is 106, so on putting it we will get 0.5 mole, and we know that 1 mole is equal to 6.022 into 10 to power 23 molecules. So 0.5 mole will be 0.5 into 6.022 into 10 to power 23 molecules. So we will get 3.011 into 10 to power 23 molecule. Now next step. In one molecule of Na2CO3, there are 2 sodium atom, 1 carbon atom and 3 oxygen atom. So agar Na2CO3 ke ek molecule mein 2 sodium atom hai, to 3.011 into 10 to power 23 molecules mein kitne honge? It will be 2 into 3.011 into 10 to power 23. एक Na2CO3 मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है, सो 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स में 3.011 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम होंगे। सिमिलरली एक Na2CO3 मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम है, सो 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स में होंगे 3 × 3.011 इंटू 10 की पावर 23। सो अब आप मास से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं। लास्ट स्टेप समझ में आया सबको? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट 273 केल्विन एंड 2 एटमॉस्फेयर। सो इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें मोल्स निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? n इज इक्वल टू VHSTP अपॉन 22.4 लीटर। पर हमें इस क्वेश्चन में वॉल्यूम HSTP कंडीशन नहीं दिया है, 2 ATM दिया है। STP कंडीशन ना देकर 2 ATP दिया है। STP कंडीशन इज प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर एंड टेंपरेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन। क्वेश्चन में प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है और टेंपरेचर 273 केल्विन। सो सबसे पहले हमें वॉल्यूम को STP कंडीशन में चेंज करना होगा। सो इन ऑर्डर टू डू सो वी नीड दिस टेबल। सो B1 इज इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर, V1 इज इक्वल टू 350 सेंटीमीटर क्यूब and T1 is equal to 273 Kelvin, T2 is equal to 1 atmosphere and T2 is equal to 273 Kelvin. और हमें क्वेश्चन में V2 निकालना है। इसे निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, that is ideal gas equation, which is T1 V1 upon T1 is equal to T2 V2 upon T2. यहाँ पे हमें P1, V1, T1, T2 और T2 पता है। We will put it and calculate V2. So on calculation, V2 is calculating mass of one atom or mass of one molecule. So we have a question, calculate mass of an atom of silver. So we can do it. This is last question. This is an important question. जिसमें एक atom का mass निकालना। Can you think कितना छोटा है एक atom? Silver के एक atom का mass निकालना है, तो कैसे निकलेगा? Two steps. हम जानते हैं कि मास ऑफ 6.022 इनटू 10 की पावर 23 एटम्स इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, और सिल्वर के केस में ग्राम एटॉमिक मास होता है 108 ग्राम। हमें पता है ग्राम एटॉमिक मास मतलब सिल्वर, अब यहाँ एलिमेंट की बात करी है तो इसका जो ग्राम एटॉमिक मास है वो हमें पता है सिल्वर का 108 होता है, ठीक है 108 होता है और वो 1 मोल के बराबर ही है। तो अब आगे देखते हैं क्या है। यूनिटरी मेथड, मास ऑफ 1 सिल्वर एटम विल बी 108 अपॉन 6.022 इनटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो जब हम मास ऑफ ग्राम एटॉमिक मास को अगर हम नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं तो एक एटम का मास आ जाता है। ठीक है,
ठीक है. Now the rest part is maths. So solve it and let us know what is the answer. Or you can check your answer in the comment section. ठीक है. तो यहाँ पर ये हमें पता चल गया. कुछ calculation हमें आ गया. Yes, ma'am. And also you can ask your doubts. And don't forget to subscribe, like, share and comment. इसमें से एक बच्चों एक concept आपका कोर्स से थोड़ा सा एक्सटेंडेड था, मतलब जो आइडियल गैस इक्वेशन आई थी P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये 11th में आती है, तो ये थोड़ा सा हाई लेवल का था. बाकी इसमें जो क्वेश्चंस बताए. मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली. वेदर अच्छा नहीं है ना, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है. मैं ये कह रही थी कि इसमें एक कॉन्सेप्ट जो था आइडियल गैस इक्वेशन यानी P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 वो नहीं है सही. इसमें मतलब हमारे 9th में नहीं है, वो 11th में आता, थोड़ा एक्सटेंडेड है. बाकी सारे जो चीजें बताई, वन एटम का मास कैलकुलेट करना या मोल की जो कैलकुलेशन बताई, वो सब रेलेवेंट है, वो आपकी सिलेबस से रिलेटेड है. ठीक है. देन हम आगे पढ़ रहे हैं. कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेते हैं, क्योंकि क्लास में क्वेश्चन एंड आंसर्स भी जो ब्लू क्वेश्चन होते हैं वो टॉपिक के साथ होने चाहिए, तभी हमें वो टॉपिक समझ में आता है. तो देयर मस्ट बी सम ब्लू क्वेश्चन एंड आंसर्स विच वी शुड डिस्कस, क्योंकि हम तब से चैप्टर को ही डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया नहीं है. लेट अस सी कि इसमें कैसे क्वेश्चंस हैं. मैट इज ऑल्सो स्लो बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ द रेन. Can you see the image? Is it visible, beta? So now, this is in text question. Question number one, in a reaction, 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid. The product for 2.2 gram of carbon dioxide, 2.9 gram of water and 8.2 gram of sodium ethanoate. Show that the observations are in the agreement with the law of conservation of mass. तो आप इसको क्या करो, अगर आप इसको कैसे बताओगे law of conservation of mass? तो equation लिख लोगे पहले, तो sodium carbonate किससे react किया है, sodium carbonate ethanoic acid से react करा है उसने, और sodium ethanoate बनाया है, carbon dioxide बनाई है, water बनाया है. तो सॉल्यूशन क्या हो गया, इन दोनों का जो वजन है, रिएक्टेंट का जो वेट है वो प्रोडक्ट के वेट के बराबर होना चाहिए. तो जब हम इनके वेट्स डालेंगे, फिर 5.3 को 6 में प्लस करेंगे तो हमें 11.3 मिलेगा, अगर हम 8.2 को 2.2 में प्लस करेंगे तो हमें दोबारा 11.3 मिलेगा. LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स का वेट और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का वजन बराबर होता है. इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन. Hydrogen and oxygen combined in the ratio 1:8 by mass to form water. What is the mass of oxygen gas required to react to completely with 3 gram of hydrogen? क्योंकि हमें पता है रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 होता है, तो मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो फिर कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन के हिसाब से 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस को कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी. 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस को 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो 3 हाइड्रोजन गैस को कितनी चाहिए होगी, 8 × 3 = 24 ग्राम. इज इट क्लियर? नाउ डाल्टन एटॉमिक कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज अ रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल व्हिच कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन.
इसको वहां रख दो, ये नहीं, ये नहीं, ये बैग रख दो, इसको बैठ जाना. तो विच पोस्टुलेटर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो बताती है, एटम्स इंडिविजिबल होते हैं, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन, और ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते ना क्रिएट हो सकते. विच पोस्टुलेटर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डिफाइन डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो डेफिनेट प्रोपोर्शन का है लॉ, लॉ दिया हुआ डेफिनेट प्रोपोर्शन का, रिलेटेड नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन है, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आईज, यहाँ पे भी दिया हुआ है. एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, नैनोमीटर्स में उसके डायमेंशन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ इन सबके फॉर्मूले को, तो फॉर्मूला आपको बता ही दिया कैसे दिखते हैं. तो टिल हेयर यू हैव टू डू इन द एनसीईआरटी, आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ इन योर क्लास ग्रुप. ओके, क्लास ग्रुप में मैं शेयर कर रही हूँ ये पीडीएफ, आप अपने ये वाले क्वेश्चन कर लोगे. कंप्लीट क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि मुझे लगता है हमारे सारे टॉपिक्स हो ही गए हैं. लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. ठीक है, आइसोटोप्स और आइसोबार्स वाला टॉपिक रह गया, बाकी ये सब हो गया है. ठीक है, क्लियर मैम? मोस्ट जनरली बारिश हो रही है, सब जगह बारिश हो रही है.